फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी पोहा। स्मोकी पोहा बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसे मूंगफली फ्राई कर लेंगे। अब हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम ऑयल में डालेंगे राई और कड़ी पत्ते। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च को काट के रखा है वो डाल देंगे। थोड़ा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारे प्याज पिंक हो गए हैं, अब हम इनमें मसाला डालेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। फ्लेम को लो ही रखेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक स्वादानुसार। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें आलू और टमाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें आलू और टमाटर नहीं डल रहे हैं तो ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है। और मैं पोहे 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 मुट्ठी पोहे लिए हैं। और अब हम इसमें पोहा डालेंगे। अब पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पोहे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले सारे। अब हम इसमें जो मूंगफली ली थी वो डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पोहे में एक बाउल रख दिया है, इसमें कोयला रखेंगे। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। लीजिए, अब हमारे स्मोकी पोहा तैयार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।